मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रॉब्लम्स में शब्दों का, लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, एक एक शब्द का बड़ा ध्यान से पढ़ कर उसका सही मतलब निकाला जाना चाहिए। पढ़ने में गलती हो जाए, मतलब निकालने में गलती हो जाए, तो आप पूरे प्रॉब्लम को गलत तरीके से सॉल्व करोगे, गलत तरीके से आंसर दोगे। शब्द बदल जाते हैं, प्रॉब्लम बदल जाता है, सॉल्व करने का तरीका बदल जाता है, आंसर भी बदल जाता है। मैं दोबारा यही प्रॉब्लम दूंगा, कुछ शब्दों को बदलूंगा और पूरा प्रॉब्लम बदल जाएगा, उसको सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। दोबारा आप यही सिचुएशन ड्रॉ कीजिए, कार्ट मेन एंड शेल एट रेस्ट, दोबारा फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, सब कुछ सेम रखूंगा। Once again, this is a frictionless horizontal surface, or is frictionless horizontal surface per, we have got men plus cart plus shells at rest. Why situation? Mass of men plus cart plus shell is capital M, and mass of each shell is small m. सारी चीजें, सारी कंडीशन वही की वही रखी, इवेंट भी वही है। मेन पहला शेल उठाता है और इस डायरेक्शन में फेंकता है, दूसरा शेल उठाता है और इस डायरेक्शन में फेंकता है, तीसरा शेल उठाता है इस डायरेक्शन में फेंकता है। पहला शेल पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा शेल नेगेटिव डायरेक्शन में, तीसरा शेल फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में। और सवाल भी वही है, what is velocity of cart after throwing first shell, velocity of cart after throwing second shell, and velocity of cart after throwing third shell. What is velocity of cart after throwing first shell, velocity of cart after throwing second shell, and velocity of cart after throwing third shell? परिवर्तन सिर्फ एक ही जगह पर कर रहा हूं, शेल फेंकने के तरीके में। If he throw shell with relative velocity, u with respect to cart after throwing it. मैंने पहले लिखा था, if he throw shell with velocity u, इस बार shell फेंकने के तरीके को मैंने बदल दिया है, इस बार लिखा हुआ है if he throw shell with relative velocity u with respect to cart after throwing it. प्रॉब्लम बदल चुका है, सॉल्व करने का तरीका बदल चुका है, इक्वेशंस बदल जाएंगी, आंसर्स बदल जाएंगे। मैं इस प्रॉब्लम को पूरा पूरा समझाऊंगा, कैसे सोचना है, कैसे करना है। वंस अगेन इट्स अ इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, मैं यह नहीं कहता कि यह सवाल पूछा जाएगा, इस तरह से
सवालों में कुछ भी परिवर्तन करके, आपसे अलग अलग तरह के सवाल फ्रेम होते हैं और बड़े ध्यान से एक एक चीज को पढ़ा जाना जरूरी होता है। अब सबसे पहले, एस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोमेंटम कंजर्व करा जाता है। जितनी भी वेलोसिटीज होनी चाहिए वह ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में होनी चाहिए। हमसे कार्ट की वेलोसिटी तो ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में ही पूछी गई, हम ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में ही बताएंगे, मगर हमें जो शेल की वेलोसिटी दी गई है वह ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में नहीं दी गई है। इफ ही थ्रो शेल विथ वेलोसिटी यू, यदि वह लिखा हुआ होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि शेल की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यू है, मगर इधर साफ साफ लिखा हुआ है इफ ही थ्रो शेल विथ रिलेटिव वेलोसिटी यू विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट आफ्टर थ्रोइंग इट, मतलब शेल को फेंकने के बाद जो भी कुछ कार्ट की पोजीशन बनती है उसके रेस्पेक्ट में शेल की वेलोसिटी यू है। अब जरा देखिए, सबसे पहले लेट्स रिकॉल द जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। हमें शेल की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखनी होगी। शेल की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखने के लिए हम सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। This is the definition of relative velocity. Relative velocity is defined as velocity with respect to ground minus velocity of reference with respect to ground. This is generalized definition, always applicable, hamesha hi. Yeh relative velocity ki ek definition hai. Relative velocity is a vector quantity, isliye main hamesha upar arrow sign laga raha hu. Relative velocity is velocity of that object जिसके हम relative velocity देख रहे हैं with respect to ground minus velocity of the reference, जिस reference में उसे देखा जा रहा है। अब मैं इस reference की velocity को यदि इधर ले आऊं तो मुझे दिखने लगेगा velocity of reference plus relative velocity is equal to velocity with respect to ground. Velocity with respect to ground UG is velocity with respect to ground or a stationary reference frame would be equal to relative velocity plus velocity of reference. Velocity with respect to ground is relative velocity प्लस वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस। मुझे शेल की रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है। शेल की रिलेटिव वेलोसिटी में रेफरेंस की वेलोसिटी यदि मैं ऐड कर दूंगा वेक्टोरिकली तो मुझे शेल की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिल जाएगी और मुझे वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में शेल की वेलोसिटी मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन बनाते समय इस्तेमाल करनी होगी। अब कैसे करूंगा, देखिए सबसे पहले देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल। सिर्फ शेल की बात करें तो देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन मैन एंड कार्ट, इक्वल एंड अपोजिट जो शेल लगा रहा है। Men, cart and shell taken as a single system, there is some external force acting in vertical direction. मगर horizontal direction की बात करें, सिर्फ horizontal direction की बात करें, और हमारा system क्या है, men plus cart plus the shell, ये तीनों ऐसी condition में क्या होता है, men का shell पर लगने वाला force, shell का men पर लगने वाला force, यह internal force हो जाता है।
मोमेंटम कभी इंटरनल फोर्स से चेंज नहीं होता है, मोमेंटम चेंज होता है हमेशा एक्सटर्नल फोर्स से। बार बार हम यह बात लिखे, डीपी बाय डीटी इज एफ एक्सटर्नल। यदि हमने शेल, मेन और काट इसे एक सिंगल सिस्टम मान लिया, तो ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे पर लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्स हो गया, और इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अब हम कहते हैं मेन काट सिंग फर्स्ट शेल जिसको फेंक रहे हैं, इसको हम एक सिस्टम माने, इस सिस्टम का मास एम है और इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, मोमेंटम इनिशियली जीरो है, शेल फेंकने के बाद भी मोमेंटम जीरो ही रहना है। अब शेल फेंकने के बाद मैं मोमेंटम निकालता हूं, शेल फेंकने के बाद मोमेंटम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे डिटरमाइन करना होगा पहले शेल की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट। U1 इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट शेल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। U1 मैं डिटरमाइन करना चाहता हूं, U1 इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट शेल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस। रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पहले शेल को पॉजिटिव डायरेक्शन में फेंका जा रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है यू। यू इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी यू पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस की वेलोसिटी क्या है? अब रेफरेंस इधर दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, द रेफरेंस इज कार्ट आफ्टर थ्रोइंग इट, द रेफरेंस इज कार्ट आफ्टर थ्रोइंग इट। आफ्टर थ्रोइंग दैट शेल वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ कार्ट? आफ्टर थ्रोइंग दैट शेल द वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज वी वन, दैट्स अननोन, वो डिटरमाइन करना है, उसको वी वन लिखा रहने दो प्लस वी वन, हमें नहीं पता, डिटरमाइन करना है, करते हैं अभी डिटरमाइन। दिस इज द रेफरेंस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट शेल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट शेल की यह वेलोसिटी है। हम मोमेंटम कंजर्व करते समय शेल की इस वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मास ऑफ शेल हम लिखेंगे एम, वेलोसिटी ऑफ शेल लिखेंगे हम यू प्लस वी वन। दिस इज मोमेंटम ऑफ शेल प्लस हमें मोमेंटम ऑफ कार्ट और रिमेनिंग सिस्टम देखना है, तो रिमेनिंग सिस्टम का मास है एम माइनस एम। शेल फेंकने के बाद रिमेनिंग सिस्टम की वेलोसिटी है वी वन। दिस इज मोमेंटम ऑफ मेन कार्ट एंड रिमेनिंग शेल, दिस इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट शेल, दिस इज टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर थ्रोइंग द शेल। मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर थ्रोइंग द शेल मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर थ्रोइंग द शेल। इस तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन बनी। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, स्मॉल एम यू प्लस स्मॉल एम इन टू वी वन, कैपिटल एम इन टू वी वन माइनस स्मॉल एम इन टू वी वन, दिस टू टर्म गॉट कैंसल्ड एंड वी वन कम्स आउट टू बी माइनस एम यू बाय कैपिटल एम। जरा देखिए
आंसर बदल गया। कंडीशन बदली, अप्रोच बदला, इक्वेशन बदली और आंसर बदला। ऑल दो जो कंडीशन बदली वो जरा सी बदली, पूरा प्रॉब्लम तो एक जैसा दिख रहा था, सवाल जो पूछा गया वो भी वही था, मगर शेल फेंकने की जब कंडीशन में फर्क आया तो उस कंडीशन को हमने ध्यान से समझा, यह समझा कि वहां रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, उस रिलेटिव वेलोसिटी से हमने ग्राउंड के रेफरेंस में वेलोसिटी निकाली, इक्वेशन बनाते समय ग्राउंड के रेफरेंस में वेलोसिटी रखी। अब हमें डिटरमाइन करना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर थ्रोइंग सेकेंड शेल। तो सबसे पहले तो सेकेंड शेल की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लिख दे, सेकेंड शेल की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करते समय ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखना जरूरी है। द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड शेल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड U2, U2 इज वेलोसिटी ऑफ सेकेंड शेल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। जरा देखिए सेकेंड शेल की रिलेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव डायरेक्शन में सेकेंड शेल नेगेटिव डायरेक्शन में फेंका जा रहा है और कहा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी यू। रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है और वहां यू है, विथ रिलेटिव वेलोसिटी यू विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस इज कार्ट आफ्टर थ्रोइंग इट, रेफरेंस इज कार्ट आफ्टर थ्रोइंग इट। उसको फेंकने के बाद कार्ट की वेलोसिटी क्या है? V2। हमें नहीं पता, हमें डिटरमाइन करना है, हम कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर थ्रोइंग इट इज V2, या V2 लिख दिया। हम इक्वेशन बनाएंगे, उसे सॉल्व करके अपने आप V2 की वैल्यू आएगी, जो भी कुछ होएगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा, साइन भी आ जाएगा, उससे डायरेक्शन भी समझ में आ जाएगा। इधर जो माइनस साइन आया उस समय समझ में आ गया कि कार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगी, मगर उसकी वेलोसिटी होगी। अब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिखता हूं, पहले सिस्टम क्या है? सिस्टम है मेन कार्ट एंड द रिमेनिंग शेल। पहला शेल फेंकने के बाद हमारा जो सिस्टम बचा है वो M-M मास का बचा है। पहला शेल फेंकने के बाद दूसरा शेल फेंकने से पहले हमारे सिस्टम का मास है M-m। दिस इज द टोटल मास, इसमें से एक शेल चला गया। इसकी वेलोसिटी क्या है? V1। इसकी वेलोसिटी है V1। दिस इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर थ्रोइंग सेकेंड शेल, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, M-m इंटू MU बाय M। दिस इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर थ्रोइंग सेकेंड शेल। और मैं कहता हूं मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर थ्रोइंग सेकेंड शेल वुड रिमेन सेम। सिस्टम का मोमेंटम सेकेंड शेल फेंकने के बाद भी यही रहेगा। अब सेकेंड शेल फेंकने के बाद मोमेंटम लिख देता हूं। सेकेंड शेल का मोमेंटम कितना है? सेकेंड शेल का मास है M, वेलोसिटी हमने ऊपर लिख रखी है -U प्लस V2, रिमेनिंग M-2M एंड वेलोसिटी इज V2। रिमेनिंग सिस्टम का मास है -2M, वेलोसिटी V2। दिस इज टोटल मोमेंटम आफ्टर थ्रोइंग सेकेंड शेल। And this must be equal to total momentum before throwing it. This is the equation.
इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम v2 की वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी v2 जो आती है सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए सबसे पहले फटाफट। इस जगह पर मैं लिखूंगा माइनस MU प्लस MV2। V2 की टर्म्स हमको कलेक्ट करनी है, कैपिटल MV2 माइनस MV2, ये V2 की टर्म्स हमें कलेक्ट करनी है और इस MU को हम इधर ले आएंगे। M माइनस M माइनस MU बाय कैपिटल M, क्या सॉल्व करके आप मुझे फटाफट बताएंगे V2 की वैल्यू क्या आती है? फटाफट कोई माइक लेकर फटाफट बताइए। इस MU को इधर ले आइए, और MU माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल M इंटू MU बाय कैपिटल M इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा M माइनस M इंटू V2। MU कॉमन, स्मॉल MU कैपिटल M माइनस M प्लस M बाय कैपिटल M इज इक्वल टू, and it comes out to be velocity v2 comes out to be m square u by m into capital M minus small m। it comes out to be m square u upon m into capital M minus small m। Observe this. This is velocity v2. Simplify this equation. यह जो equation लिखी है इसको solve करना है। इस bracket को open कर दिया, इधर ओपन कर दिया, v2 की टर्म एक साथ कलेक्ट करी, स्मॉल MU इधर ले आया, इस तरह से सिंप्लीफाई करा और मुझे यह इक्वेशन दिखने लगेगी। v2 के लिए सॉल्व करके यह इक्वेशन लिख दूंगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर थ्रोइंग सेकेंड शेल पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब कार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगेगी। Learn solving the equation. मैं इस चीज को, ये जो मैंने लिखा है ये आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप लोगों को सीखना चाहिए इसे सॉल्व करने का तरीका। अब तीसरा शेल फेंकने की तैयारी करते हैं। तीसरा शेल फेंकने के बाद वेलोसिटी ऑफ कार्ट v3 लिखते, दूसरा शेल फेंकने के लिए इक्वेशन में साफ कर देता हूं। वंस अगेन सेम कंसेप्ट लगाएंगे,
सबसे पहले हमें थर्ड शेल की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखनी होगी। थर्ड शेल जो इस तरफ फेंका जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, ही थ्रो शेल विद रिलेटिव वेलोसिटी यू। थर्ड शेल की रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट्स प्लस यू। थर्ड शेल की रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट्स प्लस यू। यह रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस, मैं इसमें रेफरेंस की वेलोसिटी ऐड कर रहा हूं। व्हाट इज द रेफरेंस? रेफरेंस इज कार्ट आफ्टर थ्रोइंग इट। तीसरा शेल फेंकने के बाद कार्ट की वेलोसिटी है v3। हमें नहीं पता, हमें डिटरमाइन करना है, हम डिटरमाइन करेंगे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ थर्ड शेल। अब वो सारी कहानी ऐसी कैसी है, शेल अकेले को देखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, मेन और कार्ट पर भी फोर्स लगेगा। हमें जो सिस्टम लेना है वह मेन प्लस कार्ट प्लस द शेल दैट इज बीइंग थ्रोन, इसे हमें एक सिंगल सिस्टम मानना है। इसे यदि सिंगल सिस्टम मान लिया जाए तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तीसरा शेल फेंकने से पहले मोमेंटम क्या है? तीसरा शेल फेंकने से पहले मास है एम माइनस टू एम और वेलोसिटी है वी टू। तीसरा शेल फेंकने से पहले मोमेंटम है एम माइनस टू एम और वेलोसिटी की जगह एम स्क्वायर यू बाय कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। दिस इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर थ्रोइंग थर्ड शेल। तीसरा शेल फेंकने से पहले सिस्टम का यह मोमेंटम है। अब हम कहते हैं तीसरा शेल फेंकने के बाद भी सिस्टम का यही मोमेंटम रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मोमेंटम कंजर्व होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तीसरा शेल फेंकने के बाद हमारे सिस्टम में दो एलिमेंट है, एक तो शेल और एक बाकी का बचा हुआ सिस्टम। शेल का मास m, उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में u प्लस v3। रिमेनिंग सिस्टम का मास m माइनस 3m और वेलोसिटी v3, m माइनस 3m। यह मास हुआ वेलोसिटी v3, टोटल मोमेंटम इसका सेल। हाँ, अपॉन में m इंटू, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे इधर एक छोटी सी शायद गलती कर दी, इसको अभी क्या भी सुधारता हूं। इस जगह पर m इंटू m माइनस m, बिल्कुल सही। दिस इज द वेलोसिटी। This is momentum before throwing the shell and this is momentum after throwing the shell and it must be equal. यह बराबर होना चाहिए। This is momentum conservation equation. We need to solve this. Solve this for V3. M minus 2m into m square u by m into m minus m, इधर से स्मॉल एम यू इधर आके माइनस एम यू इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा m माइनस टू एम इंटू वी थ्री। क्या आप इसी समय सिंप्लीफाई करके मुझे v3 की वैल्यू बता सकते हैं? Somebody please solve it. And tell me what should be this V3 equal to? Minus MU. Huh? Into M square plus capital M square, na? Plus small 2M square. Minus 2M into M. Upon कैपिटल एम इंटू एम माइनस एम इंटू एम माइनस टू एम। गुड, वेरी गुड।
This is the velocity of the cart after throwing third shell. और अब आप देखिए कि किस तरह से प्रॉब्लम में थोड़ी सी लैंग्वेज बदल जाने से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच बदल जाता है, इक्वेशन बदल जाती है, आंसर बदल जाते हैं। अभी मैं इस बात को दोबारा डेमोंस्ट्रेट करूंगा। अब इस प्रॉब्लम में एक छोटा सा परिवर्तन फिर वापस करूंगा और वंस अगेन पूरा प्रॉब्लम बदल जाएगा, इक्वेशन बदल जाएगी, आंसर बदल जाएंगे। लेट मी गिव दिस प्रॉब्लम एज असाइनमेंट। डे आफ्टर टुमारो मैं इसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करूंगा, इसी बात को दोबारा समझाऊंगा। वंस अगेन द सिस्टम रिमेन सेम, मेन कार्ट शेल at rest, friction on a frictionless horizontal surface, mass of men, cart and shell is capital M, mass of each shell is small m. वही phenomena हो रहा है, पहला shell उठाया इस तरफ फेंका, दूसरा shell उठाया इस तरफ फेंका, तीसरा shell उठाया इस तरफ फेंका और फिर वापस सारे सवाल वही के वही है। What is velocity after throwing first shell? Velocity of cart after throwing second shell, velocity of cart after throwing third shell. मैं सवाल में हल्का सा परिवर्तन कर रहा हूं, सिर्फ एक शब्द बदलूंगा और पूरा सवाल बदल जाएगा। If he throw shell with relative velocity u with respect to cart, यहां तक सब कुछ सेम है, सिर्फ एक शब्द बदल देता हूं, जहां इधर after throwing it लिखा है इस जगह पर मैं कर देता हूं before throwing it, सिर्फ एक शब्द बदला मैंने पूरे problem में। If he throw shell with relative velocity u with respect to cart before throwing it, पूरा सवाल बदल चुका है, equations बदल जाएंगी, answers बदल जाएंगी। यह problem आपके assignment के लिए। मैं अपना अगला lecture exactly इसी problem से start करूंगा, इसी प्रॉब्लम को सबसे पहले समझाऊंगा और